मनीष कुमार जी का सवाल है ग्लोबल हेल्थ के बारे में। इसकी चार्ट एनालिसिस ये चाहते हैं कि इसमें कब इसको खरीदना ठीक रहेगा। ग्लोबल हेल्थ अभी से सब स्टॉक थोड़े महंगे हैं, थोड़ा सब देखिए, इनका बिजनेस तो नेवर एंडिंग टाइप है, लेकिन वैल्यूएशन का डिस्कम्फर्ट मेरा है, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कब लेना है। अभी इन सब चीज़ों में थोड़ी शांति बनाए रखें, करेक्शन वगैरह हो जाए तो फिर देख सकते हैं। ट्रेड स्टैंड पॉइंट से इसको ऑलमोस्ट 3 टाइम तो बॉटम बन गया है 1000 के पास, तो अब 1000 का बॉटम डिफाइंड है ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से। 1000 के नीचे साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन होगा और बड़ा वाला ब्रेकडाउन हो सकता है, वैल्यूएशन वाला ब्रेकडाउन हो सकता है, अदरवाइज भी ऊपर में आप चाहें तो इसकी ट्रेंड लाइन डाल दीजिए। इसकी ट्रेंड लाइन कहाँ है, इसकी एक ट्रेंड लाइन बनेगी जो करीब करीब आपको ब्रेकआउट लेवल लेके जाएगा 1200 के ऊपर, 1210 के आसपास, उसके ऊपर क्लोज होने लगे तो फिर ही आपका ट्रिपल बॉटम अराउंड जो है 1000 वाला वो काम कर सकता है, और फिर से यहाँ से इसमें बाइंग आ सकती है, बट इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से ही महंगा है। क्या हम इसे एक तरह का ट्रायंगल फॉर्मेशन मान सकते हैं, और उस ट्रायंगल फॉर्मेशन के हिसाब से क्या इसमें ऊपर का ब्रेकआउट बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी? ये अभी ट्रेडिंग जो भी है ट्रेडिंग ब्रेकआउट है, लॉन्ग टर्म में कंसोलिडेशन का ही है, हायर लो हायर लोअर हाई पैटर्न चल रहा है, इस पे लोअर लो कंफर्म नहीं है, तो मेन 1400-1500 के बाद ही इसकी राइज का या अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल इतना जरूर होप है कि 1000 के आसपास का बॉटम इंटैक्ट है, बट मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ ग्लोबल हेल्थ को, वैल्यूएशन काफ़ी खींचा हुआ लग रहा है, इसलिए इसके कारण से इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट वाला कंफर्ट नहीं रहेगा, बाकी ट्रेडिंग वाला तो कर सकते हैं। जी, लेकिन जिस रफ्तार से इसकी सेल्स ग्रोथ हो रही है और प्रॉफिट ग्रोथ भी उसके हिसाब से मतलब एक अच्छा खासा मजबूत है, इस हिसाब से कहें अगर मैं ईयरली प्रॉफिट पे ही पहले नज़र डालूं, तो कहाँ ये 30 करोड़ 50 करोड़ जैसे रेंज में इसका प्रॉफिट होता था बमुश्किल 3-4 साल पहले। हालांकि तब शायद इसकी प्रॉपर्टीज कुछ कम रही हों, कुछ हॉस्पिटल कम रहे हों, कुछ तो इसने जोड़ा है जिसके चलते इसके प्रॉफिट्स मतलब लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये जितने भी हॉस्पिटल्स हैं ना, अभी नॉर्मली मोस्टली सारे हॉस्पिटल्स 15% के आसपास के रेट से बेड ऐड कर रहे हैं लोग, तो उतना तो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा ही। हमारे यहाँ अभी भी बेड की बहुत कमी है अस्पताल में, तो उतना ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सेल्स पिछले एक दो साल में है ना, थोड़ा सा सेल्स ग्रोथ है वो प्लेट्यू जैसा हुआ है। नीचे ईयरली सेल्स के डेटा पे जाइए तो जो 50% का ग्रोथ था वो 24-21, ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में थोड़ा सा कन्वर्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर ये ग्रोथ स्टॉल होगा जो हाई ग्रोथ पे चल रहा था, तो आप जो 65-70 टाइम के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा, एज सिंपल है, वो एक प्रॉब्लम है। अदरवाइज वैल्यूएशन के अलावा ये सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो हॉस्पिटल हो या हेल्थ केयर हो, डायग्नोस्टिक हो, ये सब में बहुत स्कोप है।